अभी रामदेव मिला जूते की माला पहना के उसका बहिष्कार ऐसा करेंगे उसके सामान में और उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे अगर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती तो। भगवा आतंकवादी है, इन पे कम दंड मिलेगा। इसी लायक है कि इस पर काली पुतली चाहिए और इसका जो ये पंतांजलि नाम का ये जो टंटा उसने चला रखा है, ये जो व्यापारी बाबा है, इसका बर्खास्त करने के लिए जरूरी है कि जिनकी वजह से ये उठा है आज वही समाज इसको इस नीचे गर्त में गिराने का काम करे, क्योंकि संविधान की वजह से आज इसको समानता का अधिकार मिला है और उस समानता का इसने गलत उपयोग किया है। हम लोगों को, मूल निवासियों को, आदिवासियों को, हर हमारे महापुरुषों को आतंकवादी कहकर विचारधारा को इसने आतंकवादी का नाम दिया है, जिनकी वजह से आज ये इतना बोलना सीख गया है। वरना बरसों पहले की बात याद करें तो ये गुलामी की जिंदगी जीते कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे थे, आज उन महापुरुषों की वजह से इतना बोलने लायक बन गया। जिस देश में बिजनेस कर रहे हैं लोग उन्हीं की वजह से, और आज उनको ये लोग आतंकवादी का नाम दे रहे हैं, तो इनको हम सबक सिखाना चाहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने महापुरुषों का अपमान किया है उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको घड़े से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ये रामदेव बात को शायद भूल गया है। उन्हीं लोगों की ये टूटी बजा रहा है जिनके कहने में। आप सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा होश में रह ले और होश की दवाई खा ले। वैचारिक आतंकवादी हम लोग को बता रहा है, ये वैचारिक आतंकवाद पैदा कहाँ से हुआ ये तो बता, ये भी तो बता कम से कम। तुम अपनी वर्ण व्यवस्था खत्म क्यों नहीं करते, क्यों ऊंच नीच कर रखा है तुम लोगों ने? क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, जिस तरह से क्या RSS बीजेपी का कोई हिडन एजेंडा है? इनका ये है ना धर्मवाद और जातिवाद करना इंडिया में, मतलब हर इंसान इनका देखो एजेंडे वाली बात करते तो एजेंडा इनका बिल्कुल साफ सुथरा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बहुजन समाज आज बाबा साहब के शिक्षा से और उनके विचारों पर चल करके आज इतना सशक्त हो चुका है कि वो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, और ये चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए ये अलू जलूर और ये अनाप शनाप ये टीका टिप्पणी हमारे महापुरुषों के ऊपर करते हैं, जैसे कि हम बौखलाएं और हम सड़कों पर आए और हमारी जो एनर्जी है वो गलत वे में लगे, इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं और हमें बौखलाने का काम करते हैं। जहाँ भी ये मिलेगा उसका रियल में मुंह काला करेंगे और इससे बोलेंगे भी ये माफी मांग भाई। हम मुंह काला करेंगे रामदेव जी का? हाँ, रामदेव का मुंह काला करूंगी, मैं खुद चैलेंज कर रही हूँ उसे। मैं कहती हूँ मुझसे आके डिबेट कर ले, ठीक है ना? ये जो बोल रहा है मुझसे आके अकेले मुझसे डिबेट कर ले आगे। मैडम बड़ा उन्होंने पहले भी मांगी थी और फिर दोबारा सर जी हम भी माफी, बार बार ये सब नहीं चलेगा ना करके ना, फिर हम भी माफी मांग लेंगे जूते की माला पर आके। इसको माफी भी मांगनी पड़ेगी और इसको सजा भी होगी, तो जिस मंच से जिसने जो जातिवाद जो वाले वर्ड जो इसने यूज करे हैं दलित और उन शब्दों को जो यूज किया उन आधार पर SC ST एक्ट लगवाएंगे और इसको सजा दिलवाएंगे। माफी तो उसको उसी चैनल से मांगनी पड़ेगी जिस चैनल से इसने हमारे महापुरुषों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है। कि ये दलित है या आदिवासी है हिंदू, मुझे बताओ ना, जब ये आदिवासी कर रहे हैं, दलित कर रहे हैं, हमें आतंकवादी बता रहे हैं। बायकॉट की बात कह रही है कि उनके समान का बायकॉट करेंगे, बिल्कुल समान का और उसका सबका बहिष्कार करो। जितने पतंगे स्टोर से जितने भी लोग समान खरीदते हैं और जहाँ तक उनको बंद करवाओ, अगर किसी ने स्पेस दे रखा है अपनी जगह दे रखी है उसे वापस खाली करवाओ, इसके समान का इसका बायकॉट करो, सीधी सी बात है। तो देखिए ये बहुजन समाज की बेटियां हैं जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर आई हैं और रामदेव के तस्वीर को पेस्ट किया है। रामदेव का एक बयान आया है कि तेरी हम जी क्या कहना चाहेंगे बाबा रामदेव मूल निवासी कहने वाले पहले भी दे चुके हूँ कई बार बयान, तो माफी तो बार बार मांग लेते हैं। माफी मांगने का उन्होंने मौका नहीं दिया है। पहले तो वो रामलीला मैदान से सलवार पहनकर भागे थे, लेकिन अगली बार तो सलवार पहनने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को, आदिवासियों को और यहाँ के रहने वाले महापुरुषों को आतंकवादी का नाम दिया है, तो वो ये सोचते होंगे कि जो वो कहेंगे, दो तीन चार बार उनको माफ कर दिया गया है तो इस बार उनकी माफी लायक नहीं है वो, क्योंकि उन्होंने हमारे महापुरुषों पर उंगली उठाई है, उनको आतंकवादी कहा है। तो इसमें क्या गलत है? समानता का अधिकार नहीं है क्या उनको? यानी कि दलित है तो मोहन भागवत जाते हैं तो वो क्यों जाते हैं अमित शाह दलितों के घर? एक पहली बात, एक चीज और बता दूं, दलित शब्द पे इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने एक पाबंदी लगा रखी है। पहली बात तो इसी चीज पे कोर्ट में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, रामदेव के ऊपर। रामदेव नहीं है वो, हरामदेव है, क्योंकि पहली बात तो जो प्रोजेक्ट पहले बने हुए हैं उस पर उसने अपना लेवी लगा दिया है और उसे प्रोजेक्ट कर रहा है, दूसरे के माल पे अपना वो लगा के लेवी लगा के बेच रहा है। पहली तो चीटिंग उसकी ये हो गई, और दूसरी चीटिंग उसने क्या कर रखी है? उसने ये कर रखा, दलित क्या दलित,
नहीं, मेरा सवाल ये है, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के दलितों के घर जाते हैं मिलने, वो उनके मिलने नहीं जाते, उनके घर हनीमून मनाने जाते हैं, कैसे देखते हैं इस बयान? सर जी एक बात बताओ, वो अगर कोई उनके अपोज में खड़ा होगा तो वो इसे उल्टा सीधा बोलेंगे, क्या अमित शाह खाना खाने नहीं जाते, योगी नहीं खाना खाने जाते, प्रधानमंत्री भी खाना खाने जाते हैं, तो वो भी क्या ऐश करने जाते हैं? उनकी जो मानसिकता इतनी बिगड़ी हुई है कि जब तक उन पर जूते नहीं पड़ेंगे जब तक सुधरेगी नहीं उनकी मानसिकता, वो ये सोच रहे हैं कि ये वही वो लोग हैं वो मनुवाद को सहन करने वाले, हम अम्बेडकरवादी है, जो उन्होंने कहा ना वैचारिक आतंकवादी, वो खुद आतंकवादी है। आज कल आप देखो जो भी योगी मतलब भगवा भेष में है वही बलात्कारी क्यों है, इन्हीं पे ही क्यों वो लग रहे हैं सारे के सारे बलात्कार के केस, क्यों इन्हें कोई जेल में नहीं डाल रहा? और सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि दलित शब्द उसने यूज करा क्यों, क्योंकि इस पे उन्होंने कहा है कि दलित शब्द आप नहीं बोल सकते, आप नव बोध बोल सकते हो, लेकिन उन्होंने दलित, और फिर उन्होंने ये कहा कि मूल निवासी या अम्बेडकर और पैरियर को मानने वाले लोग वैचारिक रूप से आतंकवादी है, तो ये तो भगवा आतंकवादी है, इन पे कब दंड मिलेगा? और मैं ये कह रही हूँ जहाँ भी रामदेव मिला जूते की माला पहना के उसका बहिष्कार ऐसा करेंगे उसके सामान में और उसमें आग लगाने की कोशिश करेंगे अगर हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती। रामदेव मुर्दाबाद।